है, तेरे को पता नहीं लेकिन तू है भाई साइंस ले ले, वास्कोप है। अरे भाई कैसा है ना, अभी हम अभी अगर हम ये सोचे ना कि साइंस लेने का है, तो तब है ना हमें लगता कि भाई ये क्या कॉमर्स लेके क्या करेगा तू, हाँ सीए बनना है क्या? क्योंकि उतना नॉलेज हमारे पास नहीं था। साइंस कैसे पास लेने के लिए इजी होता है ऐसे हमें तब बताते थे, पर एग्जैक्टली जब हम उसको लेने के बाद आते हैं ना 11th 12th में करेक्ट, फिर पता साइंस क्या। लेने के बाद, फिर हमें मालूम पड़ता कि भाई इसमें स्कोप नहीं, इसमें सिर्फ गहराई है। साइंस इज लाइक इजी डिसीजन, मतलब देख लेंगे साइंस होने के बाद जो भी करना है कर लेंगे। सबसे हमारे पास सिर्फ 3 चॉइस होते हैं, करेक्ट, साइंस साइंस और साइंस। साइंस 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 करेक्ट। मतलब मैं ऐसे बुक खोल के बैठता था जब घर के ऐसे देखते थे ना कि थोड़ा तो पढ़ ले, मैं बुक खोल के बैठता था, फिर ऐसा 5 मिनट में बुक ऐसे मुंह पे सो जाता था। कुछ नहीं मतलब है, चलो स्कोप तो है, जो कुछ नहीं करता वो इंजीनियरिंग करता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन बार बड़े होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ये है इमोशनल डैमेज। इमोशनल डैमेज। सब अर्थेंगर, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ मीम शो। आज हमारे साथ है ओम देसले, जिनका भी खुद का एक यूट्यूब चैनल है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साइन जी अपन कॉस जी, ओम तुझे क्या लगता है क्या होगा? ये देखा है मैंने, देखा है, ये देखा है। मतलब अरे बहुत फेमस हुआ था टैंग जी, टैंग। मतलब इतने साल जब हम ये पीते थे ना तब ये ना ध्यान में आया हाँ, होने कि के बाद टैंग एक मिक्सचर है कोई फॉर्मूला का। एग्जैक्टली। भाई मेरा अगर कोई अगर लिस्ट फेवरेट सब्जेक्ट अगर होगा ना तो फिर ये वो ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ये साइन और ये कॉस आता है ना, तब सीधा फट जाती है यार। मतलब क्या हे डू यू लाइक केमिस्ट्री? ना ब्रो। केमिस्ट्री ने केमिस्ट्री की ले ली, ले लिया। एग्जैक्टली ना ब्रो। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना ब्रो, ओ ओ ओ ओ लाइक ना ब्रो ओ। केमिस्ट्री यार है ऐसा सब्जेक्ट। मतलब मैं अभी मैं मेरे मैम को सॉरी कहना चाहूंगा अगर उन्होंने ये वीडियो देखा, और वो यार मनुष्य को उसमें समझता ही नहीं है, फिर मैम को शेयर उसको का इसमें कुछ समझता ही नहीं केमिस्ट्री में। हाँ अरे करूंगा ना शेयर। मैम सब्सक्राइब टू माय ब्रदर्स चैनल, इट्स माय रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, नाइस टू मीट यू। मतलब इन शॉर्ट इसमें भी गहराई आई है। 6 without SI is 10। लाइक SI निकल गया ना तो इट्स जस्ट एक्स। हाँ रोमन डिजिट्स के हिसाब से। यप। बट 6 without S is 9। And मतलब अरे इसमें इनका कोई इतना ऐसा मीनिंग नहीं बनता, फिर ऐसे वर्ड प्ले। अनलेस अनलेस इफ यू नोटिस्ड कि इसमें 6 भी है एंड 9 भी है, पूरी थियोरी रट के गया था सालों ने न्यूमेरिकल से पूछ लिया। ये बहुत होता है, ये बहुत होता है, ये बहुत होता है, ये बहुत होता है। और मेन आपको आप पूरी थ्योरी करके जाते हो, आपको फॉर्मूला नहीं पता होता, सारे न्यूमेरिकल ही डाल देते। मेरे साथ उल्टा हुआ था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मेरा चैप्टर पे एक पेपर था, एक चैप्टर पे मेरा टेस्ट था, तो मैं मतलब जो आने वाला था ना मोल वगैरह निकालते सब सब एकदम करके गया था मैं। मतलब वर्स्ट सिचुएशन के लिए मैं तैयार होके गया था, और उन्होंने उधर थ्योरी पूछी थी। एंड होता है ऐसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके जाते हैं एंड वही क्वेश्चंस नहीं आते, बाकी सब आ जाएंगे। अरे बहुत बार होता है कि पेपर निकालने वाले भी कभी कभार स्टूडेंट रहे हो गए ना, बदले ले रहे मतलब लाइक मतलब उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मतलब जब वो स्कूल में रहे होगे ना तो उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। हे ही ओके विल यू बी माई गो ओके शी सोडियम हाइपोब्रोमाइट बट ना ब्रो। हाँ उसका ये था वो एक्सटेंशन। इसमें सिंगल हो एक बस यार ना ब्रो खत्म बात। बेस्ट आंसर यू कैन गिव टू समवन ना ब्रो। नहीं नहीं सोडियम हाइपोब्रोमाइट। ए पैसे दे ना सोडियम हाइपो, उसका टाइटल ही रख दो पर भी जाता, लेकिन जी इक्वल टू 10 meter per second square कभी भी नहीं लेता कि क्या वैल्यू 9.8 ही रहती 9.8 होती है। लेकिन तुमको पता है क्या, कुछ कुछ लोग होते हैं ना परफेक्शनिस्ट, उनको पसंद नहीं है जी इक्वल टू 10 लेना,
दे लाइक नहीं एक्यूरेट वैल्यू लेंगे पॉइंट में आंसर निकालेंगे ओके मी बिफोर गोइंग फॉर फिजिक्स एग्जाम नहीं भाई बहुत बहुत अच्छा है बस सही है मतलब लाइक न्यूटन को एप्पल चढ़ा है बहुत सही है बस सही है लाइक वन ऑफ अ फेवरेट मीम्स यार सही है बस सही है बहुत एक्सप्लेनेशन इसमें मेरे को इतना नहीं है पर ये है बहुत फनी फेयरवेल किसको चाहिए क्लास 12 के बच्चे मुझे फेयरवेल का तो यार मतलब कभी तो एक बार ऐसा एक्सपीरियंस लेने का फेयरवेल का अभी हमारा नहीं हुआ 10th में 12th में भी नहीं होगा हम साला घर पे बैठे थे हमारे यहाँ पे रीति रिवाज है फेयरवेल में क्या देते है पता है एक समोसा और दो चॉकलेट बस उनका कहना है हम आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते आप भी हमसे मत रखो शो द पावर आई सेड द रियल पावर माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस द रियल पावर यस एग्जैक्टली द पावर हाउस ऑफ सेल बहुत बहुत अच्छा नहीं मीम बढ़िया है लाइक आई वाज थिंकिंग कि अगर हम कोई ब्रांड खोलेंगे ना तो उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख देंगे क्या कर रहे हैं यार तू 3.3333 मैं डिवाइडर नहीं हूँ तू है तेरे को पता नहीं लेकिन तू है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि डिवाइडर का यूज क्या होता है दोस्त को छुपाने के लिए वो एक रील डाल स्टडी रिप्रोडक्शन ओके बैक इंचेस रिप्रोडक्शन इन प्ला एक्जेक्टली द फर्स्ट फोटो सेज विल यू बी माय गर्लफ्रेंड द सेकंड फोटो सेज ना ब्रो नेक्स्ट मीम प्लस सिग्मा एंड इंटीग्रेशन डार्लिंग तो पहले से कितना फैल गए Even matter. Who called it ambivert and not Schrodinger's introvert? That's the best bond we have ever seen. Finally, got banned from the Flat Earth Discord by posting a forbidden image. अरे ये किसने डिस्कवर किया था कि अर्थ है फ्लैट वगैरह थी नहीं भाई आज मैं देखूंगा कि अर्थ फ्लैट है या नहीं मतलब हमारा प्रॉब्लम ये है कि कल के पेपर में कितने मार्क पड़ेंगे कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब अभी आपके पास टॉपिक नहीं तो कुछ भी ऐसा लोग करते अब वो जींस क्यों पहनेगा वो तो मास्क पहनेगा ना कोरोना वायरस मास्क पहनेगा तो ह्यूमंस क्या पहनेंगे जींस हर He's probably thinking about other goals. Sales multiply by dividing. Like if you think about it, that's right. Sales multiply by dividing. My blanket. When I try to find long side at 3 a.m. और हाँ ओम दिसले का चैनल चेकआउट करो और उस इंस्टाग्राम पे फॉलो करो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन बी फेनोमिनल पीस आउट